पंचम युग का वर्णन करते हैं। पांचवा युग है सर्वजित नामक संवत्सर से खर नामक संवत्सर इन पांच वर्षों में होने वाला 21 से 25 तक को पुत्रोत्पत्ति सदा प्रोक्तो धनवांश्च जितेन्द्रिय पितृमातृ प्रियश्चैव जायते पंचमे युगे। पांचवें युग में जो पैदा होते हैं अधिकतर वे संतान से युक्त होंगे, सदा पुत्रोत्पत्ति प्रोक्त सदा पुत्र पुत्र से संपन्न होंगे, वो धनवान भी होंगे, जितेंद्रिय होंगे, मातृभिक्ता माता पिता दोनों के लिए प्रिय होंगे, माता पिता भक्त होगा, ऐसे सामान्य लाभ अधिकतर लोगों में देखने को मिलता है। पांचवा इसलिए शुभ है। तीन और पांच अब तक जो गए हुए शुभ है, एक दो चार अशुभ गया। छठे का युग का फल बता रहे, सर्वदा नीच शत्रुश्च सर्वदा महिषी प्रिय पट्टघातो भयार्तश्च युगे षष्ठे च जायते। छठा युग नंदन नामक संवत्सर दुर्मुख नामक संवत्सर पर्यंत है, उस युग के में पैदा होने वाले का सामान्य स्वभाव बता रहे, सर्वदा नीच शत्रुश्च सदैव नीच व्यक्तियों का संग करने वाला और शत्रु भी होता है, सदैव नीच व्यक्तियों का वह शत्रु होगा। सर्वदा महिषी प्रिय सदा भैंस पालने वाला, भैंस प्रिय गाय प्रिय नहीं, गाय नहीं पालता, भैंस पालने में अच्छा लगता है उसे। और पट्टघातो पत्थर से घायल होने वाला होता है, सदा भयार्तश्च भय से पीड़ित रहता है, ये भी अशुभ है, इतना अच्छा नहीं है। सप्तम युग का फल बता रहे, हेमलम से प्लव पर्यंत पांच वर्षों के संवत्सरों का सातवां युग होता है, उसमें बहुमित्र प्रियश्चैव व्यापारे कुटिला गति ही शीघ्रगामी तथा कामी जायते सप्तमे युगे। सात पैदा होने वाले स्वभाव सामान्यतया बहुमित्र वाले होंगे, बहुत वे मित्रों वाला होगा और प्रिय भी होगा, प्रियश्चैव बहुमित्र बहुप्रियश्चैव, बहु शब्द दोनों से जुड़ेगा। अव्यापारे कुटिला गति ही, लेकिन जो है व्यापार में इसकी बुद्धि हमेशा कुटिली रहती है, लोगों को धोखा देके कमाने में ही लगा रहेगा, धोखा देके कमाने में लगा रहता है। तो शीघ्रगामी शीघ्रगामी छ और शीघ्रगामी होते कहीं भी आना जाना झटापट एकदम, देर नहीं लगाता, फटाफट काम करता है, भगता है। लेकिन और उसके एक और दोष है, कामी, धोखा देने में शीघ्रगामी और कामी भी, अतः अशुभ जो है युग है। अष्टम युग का फल बता रहे, आठवां ये भी अशुभ है, छह सात आठ तीनों ही अशुभ है, नौ दस ग्यारह बारह चारों शुभ आएंगे। अष्टम युग आरंभ होगा शुभकृत नामक संवत्सर से आरंभ करके पराभव नामक संवत्सर पर्यंत रहता है, और उसके बारे में कहते हैं पापकर्ता च संतुष्टो व्याज दुकान वितस्त तथा कर्ता च परहिंसा या जायते त्वष्टमे युगे। इस आठ युग में जो पैदा होने वाले हैं वे लोग पापी होते हैं, पापकर्ता, पाप कर्मों को करने वाले, उसमें वो बड़ा संतोषी होते हैं, अथवा पाप करता होते हुए जो धन दौलत मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है, लोभी लालची नहीं होता, भले पाप कर रहा है किंतु लोभी लालची नहीं है। व्याज दुकान वितस्त था और व्याजम दुखों से युक्त होता है, वो व्याधियों से और अनेक दुखों से पीड़ित रहता है। कर्ता चप पर हिंसा या दूसरों को कष्ट देने वाला, दूसरों को हिंसा प्रदान करने में आनंद प्राप्त करने वाला होता है, अतः यह भी योग इतना अच्छा नहीं है। नौ दस ग्यारह बारह अंतिम चार युग के बारे में अच्छा अच्छा ही बोलेंगे। नवम युग का फल है, नवम युग आरंभ होता है प्लवंग नामक संवत्सर से जो कृत नामक संवत्सर पर्यंत होता है। वापी कूप तड़ागा देव दीक्षा अतिथि प्रिय भूपतिर वृत्रहा तुल्यो जायते नवमे युगे। वापी कूप तड़ागा वापी कूप
तड़ाक, बावड़ी आदि जो पैदा करने वाला वापी हो गया, बावड़ी, कूप, कुआं, तड़ाक मैंने बड़ा तालाब इत्यादियों का निर्माण करना, देव दीक्षा अतिथि प्रिय इनके इतने ही नहीं देवता उनके पर अत्यंत प्रिय होता है। देव दीक्षा अर्थात मंत्र और अतिथि उसके लिए प्रिय होता है। दीक्षा से मंत्र प्राप्त करना, अनुष्ठान करना, सिद्धि प्राप्त करना, अतिथि प्रिय भी होता है। भूपतिर वृत्रहा तुल्य और इंद्र के समान, वृत्रहा मने इंद्र के समान और राजा होता है, राजा जैसे जीता है। नवे युग का फल है, दशम युग का फल है परिघावी से आरंभ करके नल पर्यंत जो संवत्सर है पांच उनको कहते हैं दसवां संवत्सर युग। उस युग में वर्णन कर राजा दे राज मंत्री च स्थान प्राप्ति महासुख स्वेश रूपो दाता च जायते दशमे युगे। दसवें युग में जिसका जन्म होता है वह व्यक्ति राजाधिराज का मंत्री हो जाता है, राजाधिराज के माने सम्राट के मंत्री होगा वो। स्थान प्राप्ति महासुख और बड़े 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 महल उसको मिल जाएंगे, स्थान प्राप्ति होगी और महासुख अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं उसको। स्वेश रूपो दाता च सुंदर वेशों को पहनेगा एवं सुंदर स्वरूप वाला भी होगा वो, दाता च महान दानी भी होता है। स्वेश स्वरूप सुंदर वेश है और सुंदर रूप, सुबह दोपहर शाम रात चार बार चार प्रकार के वेश बदल देवे और एक एक वेश भी सवा लाख का हो, नहीं बढ़िया बढ़िया चमा चम, अंदर से बुलेट प्रूफ पहनाएगा, ऊपर से वो भी पहनेगा, फिर भी संतुष्ट नहीं है। स्वरूप भी है, देखने में सुंदर भी लगता है। जायते दशमे युगे, एकादश युग का वर्णन कर रहे हैं। एकादश युग आरंभ होगा आपका पिंगल नामक संवत्सर से द्रुमति नामक संवत्सर पर्यंत रहता है। बुद्धिमाश्च सुशीलश्च स्थापकश्चासुर द्विषाम संग्रामे च भवेच्छूरो जात एकादशे युगे। ग्यारहवें युग में पैदा होने वाले अधिकतर सामान्यतया बुद्धिमान होते हैं, सुशील होते हैं, देवताओं की मूर्ति की स्थापना करने वाले होते हैं। स्थापकश्च असुर द्विषाम, असुर द्वेष कौन है? भगवान विष्णु आदि शिव ये सब क्या है? असुरों का द्वेषी, असुर द्वेष करने वाले, असुरों को मारते हैं, भक्त प्रिय और असुर द्विष्ट भगवान विष्णु आदि, इनके मूर्तियों की स्थापना करना है कि नहीं, मंदिर बनवाना, स्थापना करना। संग्रामे च भवे चोरो और युद्ध आदि हो जाए वहां प्रसंग में पीछे नहीं हटता, वो महान शूरता के साथ अग्रसर हो जाता है, पराक्रम होकर व्यवहार करता है। अंतिम युग बारहवां युग धुंधवी नामक संवत्सर से क्षय नामक जो संवत्सर है वहां तक के पांच युगों को लेकर कह रहे हैं। तेजस्वी च लसन्नात्मा नर मध्य महाजन कृषि वाणिज्य कर्ता च जायते द्वादशे युगे। इस बारहवें युग में जो व्यक्ति जन्म लेता है वह व्यक्ति तेजस्वी होता है, लसन्नात्मा प्रसन्नात्मा प्रसन्न चित रहता है, मनुष्यों में वह श्रेष्ठ हो जाए। महाजन गतो ये न सपन था, जिस मार्ग से महाजन जाते हैं वही अन्यों के लिए भी मार्ग होता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष होता है जिनका अनुसरण करने लायक होता है, वो आदर्श पुरुष होता है। कृषि वाणिज्य करता चो, कृषि तथा व्यापार भी करने वाला होता है, इनमें से कोई भी गुण हो सकते हैं। इस प्रकार से संवत्सरों का विचार, प्रत्येक संवत्सर का अलग अलग पांच सौ से युग मान करके अलग फल वर्णन कर दिया। अब आता है संवत के अंदर दो भाग होता है, उत्तरायण और दक्षिणायण। ये अयन के बारे में पहले विभाग करेंगे फिर दोनों का फल बताएंगे। मकरादि गते षटके सूर्यस्य उत्तरायणम कर्कादि षटके सूर्य दक्षिणायन मुच्यते। मकरादि छह राशियों में
सूर्य भ्रमण कर रहा हो उसको उत्तरायण काल कहा जाता है, और कर्कादि छह राशियों में जब सूर्य भ्रमण करता हो उसको दक्षिणायन काल कहा जाता है। मकर कुंभ मीन मेष वृष और मिथुन ये उत्तरायण है, कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक और धनुर ये जो दक्षिणायन के जो समय माने हैं। उत्तरायण का फल गया है उत्तरायणे नर हो जाता सर्वशास्त्र विशारद धर्मार्थ कामशीलश्च गुणवांश्च स्वरूपवान। उत्तरायण में जो जन्म लेते अधिकतर मनुष्य सर्वशास्त्र विशारद सभी शास्त्रों का मर्मज्ञ होगा, जिस शास्त्र में प्रवेश करेगा उस शास्त्र के मर्मों को रहस्यों को जानने वाला हो जाए। धर्मार्थ कामशीलश्च धर्म और धर्म के अनुरूप अर्थ और धर्म के अनुरूप कामना, अर्थ जब और काम दोनों धर्माधीन होगा वह अत्यंत सात्विक होगा और कल्याणकारी होगा। जब अर्थ और काम दोनों धर्म निरपेक्ष हो जाता है तब सर्वनाश हो जाता है, आदमी अधर्म पर चला जाएगा। इसे हमेशा अर्थ और काम धर्म के अधीन होना चाहिए। भगवान ने खुद भी कहा इसलिए धर्म अविरुद्ध कामोऽस्मी, मैं धर्म के विरुद्ध जो काम है वो मेरा श्रेष्ठ स्वरूप है। विभूतियों में गिनाया है ये कहा ये बात, मैंने श्रेष्ठ विभूतियों में है कामना भी, लेकिन यदि वो धर्म के अविरुद्ध हो और धर्म के विरुद्ध हो जाए उससे निकृष्ट कुछ नहीं है। यथा काम तथा अर्थोपि धर्म के अविरुद्ध अर्थ है, धर्मानुसारेण कमारे हो वो अर्थ आपको सदा सुख देने वाला होगा, आध्यात्मिक उन्नति को प्रदान करने वाला होगा, और जो धर्म के विरुद्ध कमा रहा है वह कमाई वह अर्थ उसके वंश के सबके विनाश के कारण बनता है, हानिकारक ही होगा, दुखदायक होगा, क्लेशकारक हो जाएगा। लोगों के पास पैसा आ जाता है फिर दिन रात नींद हराम हो जाती है, इसे 99 का चक्कर बोला जाता है, इसीलिए 99 का चक्कर। फिर डर रहता कोई आ गया गेट पर, देखो तो कौन आ गया, इनकम टैक्स वाला तो नहीं आ गया, आजकल देखो सब और बढ़िया भैया हो गया, ईडी तो नहीं आया, पहले तो सीबीआई था, इनकम टैक्स देखो और नया जुड़ गया ईडी, इसका भय हो गया सबको। इसलिए पैसा कमाओ धर्मानुसार तो भय नहीं रहेंगे, इनकम टैक्स दे दिया दो नंबर धंधा कुछ करना नहीं, एक नंबर साफ सुथरा रखो, क्यों फंसोगे क्यों डरोगे किसी से, नहीं डरने की जरूरत पड़ती। दो नंबरी करता है वही डरता है वही दबता है वही उसको नीचे की ओर ले जाता है। इसे धर्म के अविरुद्ध अर्थ और धर्म के अविरुद्ध कामना वाला वह पुरुष होता है। धर्मार्थ कामशीलश्च धर्मशील और धर्मानुरूप अर्थ कमाने के स्वभाव वाला और धर्मानुरूप ही जो है कामनाओं को करने के स्वभाव वाला होता है। एतादृश गुणवान तथा रूपवांश्च स्वरूपवान भी हो जाता है जो उत्तरायण में अधिकतर जन्म लेता है। और दक्षिणायन में जन्म लेने वाला याम्यायन नरो जातः कूट साक्षी सदानृतः अधर्मी चाथ रोगी च बहुव्याधि सदा भवे। याम्य माने दक्षिण, दक्षिणायन में जो जन्म लेता है मनुष्य वह अधिकतर कूट साक्षी छल प्रपंच कपट करने वाला मिथ्यावादी होगा, सदा अनृत सदा ही मिथ्या भाषण करने वाला, अधर्मी च अथ रोगी च अधर्मी होगा रोगी होगा और बहुत तरह तरह के व्याधियों वाला होकर उसकी जिंदगी सदा ही वह काटते रहेगा। एमेव गोलार्ध का विचार करते हैं, गोल उत्तराय उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध, दो गोलार्ध होता है। उत्तर गोलार्ध का फल अलग है, दक्षिण गोलार्ध में ग्रह ज्यादा हो तो फल अलग है। आप कुंडली बनाते हैं, कुंडली में देखा जाए तो उत्तर गोलार्ध में कि दक्षिण गोलार्ध में कितने ग्रह हैं, यहाँ पांच या चार है, इधर पांच उधर चार है, कहाँ कितने हैं, उसके आधार पर निर्णय होता है। इसलिए कहते हैं उसका भी जानना जरूरी है। दक्षिणायन का फल के बाद पहले गोल का वर्णन करते हैं, गोल किसे कहा जाता है, किस राशि से किस राशि तक सूर्य होगा तो गोल उत्तर गोल कहा जाएगा। मेषादि षटकगे सूर्य उत्तरो गोल उच्चते
तुलादि षटगे सूर्य याम्य गोल सउच्छत। अगर मेष राशि से शुरू करके जो सूर्य भ्रमण करता हो कहाँ कहाँ जाएगा हो, मेष वृषभ मिथुन कर्क सिंह कन्या ये चीजें हो, छह राशि इनमें सूर्य भ्रमण करता हो उसको उत्तर गोलार्ध वाला सूर्य कहा जाएगा। और तुला से मीन पर्यंत, तुला से लेकर के तुला वृश्चिक धनुर मकर कुंभ मीन इन छह राशियों में सूर्य भ्रमण करता है उसको दक्षिण गोलार्ध वाला सूर्य कहा जाएगा। उत्तर गोलार्ध में सूर्य भ्रमण काल में जो जन्म लेता है उसका फल क्या है? यो जात उत्तरे गोले धनवान विद्यान्वित पुत्र पौत्रादि युक्त राजमान्यो नरो भवे। जो उत्तर गोलार्ध में सूर्य भ्रमण काल में जन्म लेता है वह धनवान होगा, विद्याओं से युक्त होगा, पुत्र पौत्रादि से युक्त होगा, राजमान्य पुरुष हो जाएगा वो। जो दक्षिण गोलार्ध में पैदा होते हैं उनका क्या स्थिति है? याम्य गोलित यो जात सदा स सुखवर्जित कूट साक्षी दुराचार हीनांगश्चापि निर्धन। याम्य गोल में जो पैदा होते हैं वे सदा ही कूट साक्षी जालसाजी करने वाला सुखवर्जित सुख से रहित होता है और जालसाज करने वाला होता है, दुराचारी होता है और जरूर कोई न कोई अंग उसका गड़बड़ होगा, हीनांगा वे विकलांग होता है, आज की भाषा में दिव्यांग कहा जाता है, विकलांगों को दिव्यांग संज्ञा दे दिया है। अब आइए उत्तर उत्तरायण दक्षिणायन हो गया, उत्तर गोल दक्षिण गोल हो गया, अब आते ऋतु। इन ऋतुओं का वर्णन करेंगे, दो दो मास का एक एक ऋतु होता है, ऋतु ज्ञान पहले बताएंगे कहाँ से शुरू करना है, क्या नाम है उनका। मृगादि राशि द्वय भान भोगात षटक ऋतु नाम शिशिरो वसंत ग्रीष्मश्च वर्षा शरदश्च तद्वद् हेमंत नामा कथितोत्र षष्ठः। मकर राशि से आरंभ होगा, मृगादि राशि मने मकरादि राशि द्वय भान भोगात मकरादि राशियों के दो दो राशि में सूर्य का भोग काल जो होता है उसको एक ऋतु कहा जाता है। मकर आदि दो दो राशियों में सूर्य के भोग काल को एक ऋतु कहा जाता है। ऐसे कुल मिलाकर ऋतु कितने, इसलिए षटकम ऋतु नाम ऋतुओं का संख्या इसलिए छह हो गया, दो 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 मास के कुल दो छह बारह हो गया। क्रमशः वो भी लेना, मकर आदि से आरंभ करो, मकर और कुंभ इन दो राशि में सूर्य होगा तो शिशिर ऋतु कहा जाएगा, शिशिरा फिर वसंत मीन और मेष राशि में हो वसंत ऋतु और ग्रीष्म वृषभ और मिथुन राशि में ग्रीष्म ऋतु कर्क और सिंह राशि में वर्षा ऋतु कन्या और तुला राशि में शरद ऋतु तद्वत वृश्चिक और धनु राशि में लौट गए हेमंत ऋतु में होता है, यह इसका छटाक ऋतु के राम नाम से कहा गया है। अब एक एक ऋतु का भी फल बताएंगे। हाँ, हम आपके डेट के हिसाब से नहीं चलेगा, जनवरी फरवरी ये तो अंग्रेजों का डेट है, हमारे यहाँ क्या मकर राशि में सूर्य गया मकर संक्रांति मैंने जनवरी 14 लगभग 13-14 वो संक्रांति से आरंभ करो, अगली संक्रांति है ना मकर के बाद कुंभ संक्रांति आएगा, कुंभ के जब तक सूर्य रहेगा कुंभ राशि में तब तक और लगभग जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च के बीच तक लगभग लगभग जाता है प्राय, ये जनवरी फरवरी नहीं बोल सकते आप ना, जनवरी के बीच में लगभग शुरू हो रहा है, 13-14 को शुरू हो रहा है, इसे मकर संक्रांति से गिनना शुरू करो और उसके बाद आते मकर के बाद कुंभ संक्रांति, मकर से कुंभ तक का 30 दिन, कुंभ राशि में अगला संक्रांति आ रहा है कुंभ के बाद कौन आएगा मीन संक्रांति तक वो लगभग 30 दिन होगा, ये 60 दिन एक ऋतु उसका नाम शिशिर ऋतु। हमारे यहाँ संक्रांति से गिनती होगी, तारीख नहीं होता और संक्रांति कब हो रहा है एक दिन आगे एक दिन पीछे कोई पता नहीं, जहाँ जैसे होगा वैसे ग्रहण किया जाएगा।
रूप यौवन संपन्न दीर्घ सूत्री मदोत्कट साधुयुक्त कामुकश्च शिशिरे जायते नर। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, किसी में अच्छा गुण हो जा सकता है, किसी में खराब गुण हो सकता है, किसी में दोनों मिश्र हो सकता है। लाखों पैदा होंगे इस ऋतु में, सभी में व्यवस्था देनी पड़ेगी जहाँ जैसा है। रूप सबसे पहला शिशु ऋतु में जन्म लेने वाला होता है, वह प्राणी रूपवान होता है, यौवन से संपन्न होता है। रूप संपन्न और यौवन से संपन्न होगा, किंतु दीर्घ सूत्री महान आलसी होगा। हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, चिंता ना करो, आप बिठा देगा आपको, बेकूफ बना देगा, हो जाएगा हो जाएगा। कईयों की भाषा ही ऐसे है, किसी भी बात पे बोला हो जाएगा ना, कभी नहीं बोलेंगे और करेंगे कभी नहीं, बड़े विचित्र दुनिया है। आप इंतजार करते रहोगे तो काम आपका ठप हो जाएगा। ऐसे एक बंदे यहां से अभी अभी बात दिल्ली गई, वहां से बोल रहा है आदमी, आप निश्चिंत रहो आपका रिजर्वेशन पक्का है। हमने कह दिया, हमने से गवा दिया, वो कर दिया वो कर दिया, अब देखो बनाता रहा। यहां से वहां गए, दिल्ली पहुंच गए, आगे से टिकट बना दिया है सोच करके, वहां गया तो टिकट हुआ ही नहीं। और उसे पूछा, अरे अभी तो गया हूं, वो पता लगा रहा हूं कैसे नहीं होगा, कहां गया था ये वो, फोन पिन के सामने ढींग हांक कर घर में बैठे हुए। ये भी समझ गए, तुरंत उसे घर ही पहुंच गए। अरे तू तो करता हूं सेक्रेटरी, तू तो यहां बैठा है घर में, मैं सेक्रेटरी से फोन कर रहा हूं, बोल रहा है इतना झूठ बोलते। पहले तो दीर्घ सूत्री बना रहा और बाद में ड्रामा रच रहा। मदोत्कट और मत वाला होता है, मस्त रहता है, फिर भी मजा आता है उसको करने में। ऐसे भी उसे कोई टेंशन नहीं होता है, कोई दुख नहीं, आपका काम बिगड़ रहा है वो मस्त रहेगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, क्या हुआ, वापस चले जाइए दिल्ली से घर अपने वारसी के से। परेशान करके जगह तो वापस जाओ बोल दिया, हाय बोलो पे करो करे क्या। मधोत्कट साधुयुक्त सज्जन पुरुषों के साथ संग भी करते हैं, बड़ा अच्छा लाख है। काम कश्चो तथा महा कामी होता है, जो शिशु ऋतु में पैदा होते हैं उनमें अधिकतर ये सब गुण दिखाई देते हैं। वसंत ऋतु का फल महोद्यमी मनस्वी च तेजस्वी बहुकार्य कृत नाना देश रसाभिज्ञो वसंते जायते नरः। वसंत ऋतु मीन राशि और मेष राशि, इन दो राशियों में जब सूर्य भ्रमण करते रहता है उस काल का नाम वसंत ऋतु। उस ऋतु में पैदा होने वाले लोग महान उद्यमी होते हैं। मनस्वी च और उद्योगी नहीं, महान स्वाभिमानी होते हैं। तेजस्वी और बुद्धि भी अत्यंत तेज होगा। बहु कार्य कृत अतएव अनेक कार्य करने का क्षमता उनमें रहती है। अनेक देशों का ज्ञान और अनेक प्रकार रसों का भी जानने वाला होगा। नाना देश रसा अभिज्ञ, नाना देश का अभिज्ञ और नाना रसों का भी अभिज्ञ होता है, देश तथा रसों का जानने वाला होता है। अब आता है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु वृषभ राशि और मिथुन राशि में जो सूर्य भ्रमण करते रहता है, उन दोनों राशियों में रहते वक्त सूर्य का भ्रमण काल को हम कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। उस ग्रीष्म ऋतु काल में जो पैदा होते हैं उनका सामान्यतः स्वभाव क्या है, बहुवारंभ जित क्रोध क्षुधाल हो काम को नरह दीर्घ शठो बुद्धिमाश्च ग्रीष्मे जात सदा शुचि। ग्रीष्म ऋतु में जन्म लेने वाला व्यक्ति खराब है, देखो बहुत से कार्यों को आरंभ कर लेता है और किसी भी कार्य को ठीक से पूरा नहीं करता है। ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा, सब कर दूंगा और एक भी काम पूरा नहीं करूंगा, ऐसे स्वभाव वाला। और जित क्रोध, ऐसे व्यक्ति को क्रोध जितना जरूरी होता है, नहीं तो कैसे मैनेज करेंगे लोगों से, लोग नाराज हो जाएंगे। लेनो शांत रहेगा, इसलिए सबको जवाब देते रहेगा, घुमाते रहेगा, इसका टोपी उससे लाओ, उसका टोपी इस पर लगाओ, काम चलाओ, और जो है बड़े चालाक काम ही चलाते रहता है।
जितक क्रोधा, इसे क्रोध रहित होता है, क्रोध को जीत लिया। और दिन भर खाते रख शुद्धालु, सवेरे दोपहर शाम रात चार बार खाता नहीं है, हर घंटे में उसको कुछ ना कुछ चाहिए माल पानी, छकते रहो छकते रहो छकते रहो। शुद्धालु भूख स्वभाव वाला है, भूखा है, काम को न रहा, और काम कभी है, भले क्रोध को जीत लिया है लेकिन भूख को नहीं जीता और काम को भी नहीं जीता। और दीर्घ लंबे शरीर वाला भी होने की संभावना है। बुद्धिमान षट, षट मने महादुष्ट, बुद्धिमान बुद्धिमान भी होते, षटे षट्यम समाचार तीसरे का ना का, आप भले जितने सीधे साधे हो, अगला यदि अपनी दुष्टता कर रहे हैं तो उसके बाद आपको भी दुष्टता व्यवहार ही करना पड़ेगा, वहां साधुता व्यवहार से काम चलेगा नहीं। क्या वो कहावत है, टूथ फॉर टूथ टिट फॉर टैट, ये भी कहते हैं, एक दांत तोड़ तो दो दांत तोड़ दे, क्या दिक्कत है, दम लगाओ। वो पत्थर से मार रहे तो ईंट से मार ले, ईंट से मार तो पत्थर से मार ले। छठी अति बुद्धिमान, फिर भी वो बुद्धिमान रहता है, वो तभी तो ये सब चाल चल पाता है, जैसे चलेगा ऐसे चाल पकड़ा जाएगा। जो ग्रीष्म ऋतु में पैदा होता है, ग्रीष्म ऋतु तो वर्षा ऋतु, कर्क राशि और सिंह राशि, इन दो राशियों में कर्क संक्रांति सिंह संक्रांति होने के बाद उन दो महीनों में जो सूर्य भ्रमण करता है वह काम करना वर्षा ऋतु, उस ऋतु में कैसा पैदा होता है आदमी, गुणवान भोगयुक्त राजपूज्यो चितेन्द्रिय कुशलो वर्थानुवादी च, वर्षा काले भवेन्नर। जिसका जन्म वर्षा ऋतु में होता है वह गुणवान होता है, भोग साधन युक्ति होता है, भोगयुक्त राजपूज्यो राजा द्वारा सम्मानित है, जितेन्द्रिय इंद्रियों पर विजय को पाया हुआ होता है, कुशल कार्य करने में अत्यंत कुशल, अर्थानुवादी च उपयुक्त वचनों को ही कथन करने वाला, फालतू बकवास करने वाला नहीं होता। अब आते शरद ऋतु का फल, कन्या राशि और तुला राशि, कन्या संक्रांति तुला संक्रांति होने पर जो इन दो राशियों भ्रमण होता है सूर्य का, उस काल को शरद ऋतु कहते हैं, नहीं शरद है ना, हाँ शरद ऋतु, शरद ऋतु का फल बता रहे, इसीलिए ये देखिए, वाणिज्य कृषि वृत्तिश्च धन धान्य समृद्धिमान तेजस्वी बहुमान्यश्च शरद जातो भवेन्नर। शरद ऋतु में उत्पन्न व्यक्ति व्यापार तथा कृषि कर्म करने वाला होता है, धन धान्य आदि समृद्धियों से युक्त होता है, तेजस्वी तथा सम्मानित होता है, वाणिज्य माने व्यापार और कृषि इनके कर्म करने के स्वभाव वाला, धन धान्य और समृद्धि आदियों की समृद्धि से युक्त होगा, तेजस्वी और बहुमान्य मन समाज में सम्मान को प्राप्त करने वाला होता है। और अंतिम ऋतु हेमंत ऋतु, इन हेमंत ऋतु का फल बता रहे, बहुव्याधिहीन तेजस त्रास युक्ता प्रनिष्ठुर ह्रस्व पीन गलो भीरूर हेमंते जायते नर। हेमंत ऋतु में पैदा होने वाले अधिकतर लोग सामान्यतः देखने को मिलेगा बहु व्याधि, नाना प्रकार के व्याधियों से युक्त होंगे, हीन तेज कांति विहीन होगा, सदा जब मुरझाया हुआ, जैसे क्या होते हैं ना उसको, एक होता है जिसके चेहरा देखने से दिन भर खराब होता है, मायूस बोलते मनहूस है, कैसे मायूस रहता है मनहूस रहता है, इसका चेहरा देखो तो सवेरे दिन भर खराब ही हो जाए, ऐसे भी होते कि लोग दुनिया में त्रार त्रास युक्त हीन तेज के साथ त्रास युक्त होता है, अनेक प्रकार के भय से युक्त, त्रास माने भय, भय से युक्त होता है, एवं ह्रस्व पीन गला, उसकी गला कैसा है, छोटा और मोटा गला, छोटा एवं स्थूल गर्दन वाला होता है, भीरु हमेशा कायर डरपोक, ऐसे होते हैं जो हेमंत ऋतु पैदा होने वाले, उनमें से कुछ न कुछ इन गुणों में से कोई न कोई गुण उसके अंदर अवश्य मिलता है। इसके बाद आता है अम्मासों का फल,
क्रम से जा रहे देखिए, संवत, संवत के बाद ऋतु, ऋतु के बाद संवत के बाद अयन, अयन के बाद गोल, गोल के बाद ऋतु, और ऋतु के बाद हर एक मास को ले, फिर मास के बाद दो पक्ष आएगा, हर मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होता है। चैत्र आदि मासों के 12 मासों का फल बताने आरंभ करते हैं। प्रथम अध्याय में सब ऐसे ही अधिकतर होगा, द्वितीय अध्याय से वास्तविक गणित आरंभ होता है। चैत्रे च दृष्टिभाग्य जातः साहंकार शुभाकर रक्ते क्षण सरोषश्च स्त्रीलोल सभवेत सदा। जिसका जन्म चैत्र मास में होता है वह अत्यंत रूपवान होगा, दृष्टि और भाग्य दोनों से युक्त होगा, अत्यंत रूप वाला होता है, दृष्टि भाग्य अत्यंत रूप वाला, और साथ साथ वो कैसा होता है, साहंकार अहंकारी भी होगा, शुभाकर लेकिन मंगल कार्यों में वह सदा युक्त रहता है। रक्ते क्षण लाल आंखों वाला सरोषश्च और सदैव क्रोधी एवं सदैव स्त्रीलोला स्त्रियों में लुप्त रहता है। एक व्यक्ति डॉक्टर बना और स्त्री रोग विशेष बना, उसको पूछा कि मुझे स्त्रियों को देखने में ठीक लगता है, लड़के आए बीमारी करके आते हैं मजा नहीं आता देखने, इसे पुरुष मरीजों को मेंटेन नहीं करना चाहते थे, इसलिए स्त्री रोग विशेषज्ञ बन गए ताकि हमारे पास मरीज आएंगे तो कौन आएगा, स्त्रियां ही तो आएंगी, स्त्री लोला लगता है चैत्र मास में पैदा हुआ था वो। वैशाख मास का फल बता रहे, भोगी धनी सुचित्तश्च अशुद्ध तो ठीक कर लेना, भोगी धनी सुचित्तश्च सक्रोधश्च सुलोचनः स्वरूपो वल्लभ स्त्रीणाम माधवे जायते नरः। माधव मास मने वैशाख मास, इस वैशाख मास में जो पैदा होते हैं, चैत्र के मास का नाम मधु, मधु के अनंत रहने का नाम माधव, चैत्र मास का एक नाम है मधुमास, मधुमास के बाद का मास का नाम माधव मास मने वैशाख मास। माधवे मने वैशाख मास में जो जायते नर जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं ये सबसे पहला है, उनके गुण या तो भोगी होगा अथवा धनी होगा अथवा सुचित्तश्च अच्छे विचारों वाला होता है, सक्रोधश्च क्रोध युक्त भी हो सकता है, सुंदर आंखों वाला एवं सुंदर स्वरूप वाला होता है, स्वरूप वल्लभ स्त्री नाम अतः स्त्रियों का वह प्रिय होता है, स्त्री लोग उसको बहुत चाहते हैं। अब ज्येष्ठ मास का फल है, परदेश रतश्चैव शुभचित्तो धनान्वितः दीर्घायुश्च सुबुद्धिश्च ज्येष्ठे सुष्ठो धनी भवे। ज्येष्ठ मास में जन्म ले होने से परदेश में रहने वाला होता है, स्वदेश में उसको नौकरी अच्छी नहीं लगती, बढ़िया से बढ़िया नौकरी दो तो भी खराब लगता है, बाहर होटल में जाके अगर झूठे बर्तन मांजने उसको अच्छा लगता है, विदेश में, विदेश में काम कर रहे हैं, जब जाते हैं ना घर देखो कैसे जाते हैं, बढ़िया नया साफी लेंगे, साफी लगाएंगे, फिर एक ट्रांसिस्टर होता था ना वो ले क्या, एक सूटकेस नया उसे दो जूते दो बढ़िया कपड़े लिया घर पहुंचता है, कहाँ से आ रहे, विदेश से आ रहे, देखो कैसे लोग भी मान लेते तो विदेश से आ रहा है, बहुत बढ़िया आ रहा है, देखो कितना बढ़िया कपड़ा पहन रखा है, एक ट्रांसिस्टर लेके आ रहा है, ऐसा भी ऊपर लगा कमाल कहते, सब क्षेत्र की अपनी अपनी व्यवस्था है, हर एक क्षेत्र वाले ऐसे ही कुछ न कुछ भ्रम में पड़े हुए संसार जो है। दीर्घायुश्च नहीं शुभचित्ता, इन परदेशरत होते हुए भी वह शुभ चित्त वाला होता है, सदविचार वाला होता है, धन से युक्त होता है, दीर्घायुश्च दीर्घायु वाला और सुबुद्धिश्च ये मन के विचार ये सुंदर है ऐसा नहीं, बुद्धि भी उसकी बहुत अच्छी होती है। जो व्यक्ति इस ज्येष्ठ मास से पैदा होते हैं उन लोगों का अधिकतर सामान्यतया स्वभाव वर्णन किया। आषाढ़ मास का फल बता रहे, पुत्र पौत्रान्वितो धर्मी
वित्तनाशेन पीड़ित स्वर्णश्चाल्प सुखितो याषाढ़े च भवेन्नर। आषाढ़ मास उत्पन्न होने से पुत्र पौत्र से युक्त होगा। सन्यासी हो तो चेले भैया, उसकी चेले के भी चेले, उनके भी चेले मंडले स्रोत वो देख लेगा। नहीं, चेले के चेले तो हो ही रहे, अपना भी हो रहा है। चेले के चेले मंडलेश्वर हो गए, चेले तो ही कहीं मंडलेश्वर, उनके भी चेले मंडलेश्वर हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। नहीं तो ये चक्र चलता है, शिष्य प्रशिष्य शिष्य चलते रहेंगे ना, वहाँ जो पुत्र पौत्र प्रपौत्र वाला जाता है। उसी प्रया इसके भी पुत्र पौत्रान्वितो धर्मी, और धर्मी होता है, धार्मिक पुरुष होता है। वित्त नाशेन पीड़ित हो, हमेशा उसके धन नाश से पीड़ित रहता है। लेकिन जाता से पैसा आ गया, एकदम स्वाहा हो जाता, गड़प गायब हो जाता है, कोई चोरी कर लेता है या खर्च कर डालता है, और फिर पैसा नहीं पैसा नहीं पैसा नहीं सोचता रहता है। फिर आ जाता है, फिर वही हाल चक्र ही चलते रहता है बेचारे का। बचत करा नहीं पाता है, जो करता है वो भी कहीं ना कहीं से गायब हो जाता है, विचित्र स्थिति। अच्छा है, जल्दी सन्यासी हो जाएगा ना। वित्त नाशेन पीड़ित स्वर्णश्च अल्प सुखितो, स्वर्ण सुंदर वर्ण गौर वर्ण वाला होगा, तथा लेकिन अल्प सुख वाला भी होगा। अल्प सुखितो, अल्प सुख अल्प धन के कारण से आषाढ़ मास से पैदा वाले वाले अधिकतर संन्यास के योग वाले हो जाते हैं। नहीं, जब अल्प सुख वहाँ मिले संसार में, सोचता है परम सुख की ओर चलो, छोड़ो इसको, तो यहाँ कोई मिल ही नहीं रहा है, क्या दिमाग छाते, चलो यहाँ से। अल्प धन मिल रहा है, मेहनत करो, 100 रुपये का मिला 10 ही रुपये से छोड़ेगा, भाग जाओ इसे, जब वहाँ ज़्यादा मेहनत करूँगा तो भगवान ही मिल जाएंगे, ये चक्कर में क्या फ़ायदा, छोड़ देगा वो। श्रावण मास का फल बता रहे, सुख दुखे तथा हानौ लाभे च समचित्तकः स्थूल देह स्वरूपश्च श्रावणे जायते नरः। जिसका जन्म श्रावण मास में होता है वह सुख दुखे तथा हानौ, सुख दुख हानि लाभे कुछ भी हो, इन सब में वो समचित्त कह ब्रह्मज्ञानी हो जाएगा। इसका मतलब है ना, लाभा लाभे जया जयो कहा है ना गीता में, सुख दुख के समीकृत्वा लाभे लाभे जया जयो, सुख दुख को समदृष्टि से देखता है, हानि लाभ को समदृष्टि से देखता है, और लगता है मंडलेश्वर है, स्थूल देह मोटा तगड़ा रहेगा, दर्शनीय मूर्ति रहेगा, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा न हो तो क्या मंडलेश्वर है। नहीं, एक बार हमको ऐसे कार्यक्रम में बिठा दिए, वहाँ कार्यक्रम में हमारे बगल में जो बैठे थे, ऐसे लग रहा था शिव जी के बगल में हम गणेश जी छोटा सा बैठे रहे, उनको खुद को बुरा लग गया, अरे इतने बड़े विद्वान के सामने मैं ऐसे कैसे बैठ गया, उठ के चला गया। इसीलिए उन्होंने देखा ये ठीक नहीं है, लोग यही देख रहे, बार बार हंस भी रहे लोग, समझ गया ये कहाँ मैं इतना लंबा चौड़ा, लगता है दो कुछ लोगों में चर्चा हुई वहाँ, या तो बड़ा शिव जी है छोटे बगल गणेश जी हैं, या तो लगता है ये कितना लंबा चौड़ा है, क्या नाम है, होड़िका की गोदी में प्रहलाद जैसे दिख रहे हैं। आओ बेचारे उसके कान तक बात पहुँचाने, उठ के भाग्य स्टेज से कमरे में चला गया। फिर सारे कार्यक्रम मरीज मेरे पास आए, महाराज जी इसलिए उठ गया है, लोग ऐसे ऐसे चर्चा कर, मेरे कान में लोगों ने आके बताया, मुझे अच्छा नहीं, इसलिए उठ के आया गया। मैंने कोई बात नहीं, यहाँ फोटो ले लो, सबको दे दो गणेश जी का साथ में। होते हैं ऐसे ऐसे, कोई कोई लंबा चौड़ा शरीर, मोटा तगड़ा, पेट भी लंबा नहीं मोटा, स्थूल देह स्वरूप सुंदर रूप वाले भी होते हैं वो, जो श्रावण मास में अधिकतर पैदा हुआ करते हैं।